पूरी हिस्ट्री ये है कि कल रात को एक पेशेंट श्रीमती फरीदा महेश्वर वाला को मेरे यहाँ अस्पताल में भर्ती करा गया था। उस पेशेंट को डॉक्टर कुर्बान साहब हैं, उन्होंने अपने क्लिनिक पर देखकर और मैंने यहाँ भर्ती करा था। उसे पेट दर्द और बुखार की शिकायत के साथ में भर्ती हुए थे। उनकी जो खून की रिपोर्ट और सोनोग्राफी रिपोर्ट थी, उससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें पेट में सीधे हाथ की तरफ कोई गठान वगैरह है। इस वजह से उसका ऑपरेशन प्लान करा गया था। आज सुबह 8 बजे 4 डॉक्टरों की टीम, जिसमें डॉक्टर रिजवान फारूकी, डॉक्टर श्याम इनानी, ये दोनों सर्जन हैं, और डॉक्टर हरीश गुप्ता जो कि बेहोशी के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर कुर्बान हुसैन जो कि असिस्ट कर रहे थे ऑपरेशन में, इन्होंने ऑपरेशन किया। इनका ऑपरेशन के लिए लिया था, लेकिन जब पेट खोला गया तो अंदर ये मालूम पड़ा कि ये गठान नहीं है, बल्कि इनके पहले ऑपरेशन के दौरान अंदर कुछ स्पंज होता है, जो कपड़े का टुकड़ा होता है स्पंज, और उसके साथ कुछ गॉस पीस होते हैं, वो भी कपड़े के टुकड़े ही होते हैं, वो अंदर पड़े हुए थे, और उसे उसके आसपास में काफ़ी पस पड़ गया था, और पस के साथ साथ में आसपास का जो स्पंज के आसपास का आंत का हिस्सा है सीधे हाथ की तरफ का, वो पूरी तरह से सड़ गया था। उस पूरे हिस्से को, स्पंज को हटाया गया, जो सड़ी हुई आंत थी उसे निकाल दिया गया, और उसके बाद में जितनी भी अच्छी आंत थी उसको वापस से आपस में जोड़ के ऑपरेशन करा गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा हुआ है, और अब पेशेंट को करीब अभी 2-1 हफ्ते हॉस्पिटल में और रखना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको ग्रेजुअल रिकवरी के बाद में करीब करीब 1-1.5 महीना पूरी तरह से रिकवरी में लगेगा। दोनों को चिपका लो, प्रॉब्लम तो डिलीवरी हुई थी उनकी, मतलब 1.5 साल पहले गोकुलदास हॉस्पिटल में, जब से उनको थोड़ा बैक पेन वगैरह था, तो अभी मतलब 1 हफ्ते 10 दिन से मतलब बैक पेन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया उनका, पीठ में दर्द, पेट में दर्द। तो सोनोग्राफी करवाई थी कल, तो उसमें कोई गठान टाइप आ रही थी कि क्लियर उसमें भी नहीं आ रहा था, कुछ गठान टाइप आ रही थी। तो आज डॉक्टर को बताया हमने, तो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आज ऑपरेशन कराया तो उसमें मतलब नेपकिन निकला अंदर। मेरी मरीज के हस्बैंड से और मरीज की बहन से दोनों से बात हो गई है, और इवन जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उनसे भी बात हुई, क्योंकि मरीज की बहन का भी मैंने ही ऑपरेशन किया हुआ है, उनकी पूरी फैमिली मेरे पास आती है। मुझे जहाँ तक मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया था, उसमें पस पड़ गया था, और वो पस आंतों तक फैल गया था, तो वो पूरा काट के निकालना पड़ा है, है ना। उसमें कोई ऐसा स्पंज रह गया था या ये वो कोई नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, जब तक देखिए ऐसा 1.5-2 साल में मरीज को कुछ भी नहीं हुआ, जब तक मैं भी कुछ ऐसा देख नहीं लूँ, मैं ऐसे नहीं मान सकती कि ऐसा कोई स्पंज रह गया था। मेरी तरफ से जहाँ तक है किसी ऑपरेशन में कोई परेशानी नहीं है, कोई स्पंज नहीं रहा था।